स्ट्रीट फूड खाना सबको पसंद रहता है, लेकिन अगर सोचो स्ट्रीट फूड में कुछ ऐसा मिलाया जाए जो हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी हो, फिर तो हम स्ट्रीट फूड को भी बिना किसी गिल्ट के मज़े से खा सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं मुंबई का पॉपुलर स्ट्रीट फूड, मुंबई की भेल, जो सबकी पसंद है। आज हम ऐड करेंगे इस भेल में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट और बनाएंगे इसे ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो आज की हमारे इस मुंबई की चटपटी भेल का जो मेन इंग्रेडिएंट रहेगा वो होगा अंकुरित दालें। अलग अलग तीन तरह की अंकुरित दालें मैंने यहाँ पर बॉईल करके ली है। अंकुरित मोथ बीन्स यानी कि मटके ली है मैंने। सभी दालों को हमें अलग अलग बर्तन में रख के बॉईल करना होगा। अंकुरित चने और अंकुरित मसूर को भी मैंने अलग अलग बॉईल करके यहाँ पर लिया है। मेरे पास घर में जो भी दालें अवेलेबल थी मैंने ली। आप अपनी पसंद की अंकुरित दालें भेल में मिक्स कर सकते हो। सबसे पहले एक बड़े से बोल में इन सभी अंकुरित दालों को मिक्स करके हम निकालेंगे। हेल्दी के साथ साथ इस भेल को टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमकीन, एक उबले हुए आलू के और टमाटर के टुकड़े। भेल को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे एक कप जितने कुरमुरे। और भी एक अलग तरह का नमकीन मैंने इसमें ऐड किया है भेल को और ज्यादा क्रिस्पी बनाने। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो वरना स्किप कर देना। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चटनी। एक टेबलस्पून हरा धनिया और हरी मिर्च की बनाई हुई चटनी, एक टेबलस्पून जितनी लाल मिर्च वाली लहसुन की चटनी, और हम डालेंगे वो चटनी जिसके बिना भेल अधूरी है, चटपटी सी खट्टे मीठी इमली की चटनी। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून डाली है। सभी चटनी का जो प्रमाण है वो हम हमारी पसंद से इसमें ऐड कर सकते हैं कम या ज्यादा। स्पाइसी वाले, चटपटे, खट्टे, मीठे सारे चटनी के टेस्ट इसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाए, इसलिए हम इसे कुछ देर तक चलाएंगे। आप देख सकते हो कितनी रंग बिरंगी सुंदर टेम्पटिंग लग रही है हमारी भेल। सिर्फ दिखने में नहीं लेकिन स्वाद में भी ये बहुत चटपटी सी बनने वाली है, और उस पर ये अंकुरित दालें यानी कि स्प्राउटेड पल्सेस भी। तो अब अगर बच्चे भेल खाने की जिद करें तो हम ऐसी वाली भेल बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं, ताकि हमें भी ये गिल्ट ना हो कि आज बच्चों ने कोई हेल्दी खाना नहीं खाया, बल्कि हमें इस बात की खुशी भी होगी कि आज हमने जो भी खाना बनाया वो सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि हेल्दी भी था। तो तैयार है सबका मनपसंद और पॉपुलर मुंबई का स्ट्रीट फूड भेल, एक जबरदस्त हेल्दी वाले ट्विस्ट के साथ। भेल को गार्निश करने के लिए और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ ऐड करूँगी फाइनली चॉप किया हुआ प्याज, मोटे वाले और बारीक वाले सेव, हरा धनिया फाइनली चॉप करके, और एक टेम्पटिंग सा लुक देने के लिए मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ अनार के दाने। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 3 अलग अलग तरह की चटनी मिलाई है। उन सारी चटनी की जो रेसिपी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।